इला तो के बुरा मत मन ली, कलेजे में दम रही, आवाज छिरकत रही, फाट के पकड़ ली, दम न रही, बोलबा घोघिया के फंस दे, हवा निकल जाई, एक माल पानी दे के जितना बढ़िया मानव कसौटी हो के कैसन चाहिए। स्नेह सरिता च संगम समागम मधि सरोवरी चादर विचरता रहा, क्या नैतिक समझ कोई पाता नहीं, अरे कर्म करके अनैतिक गुजरता रहा। संगम समागम नभी चादर बिचरता रहा, नैतिक समझ कोई पाता नहीं, अरे कर्म करके अनैतिक गुजरता रहा। काल कलिका कली को कलम कर दिया, अरे कार्तिक रंगन कहानी कफन में छिपी, तरिंदा जो जिंदा रहे विश्व में, अरे इनकी हरकत लहद के दफन में छिपी। जनाथ निकाल दोगे पड़ी हम लोगों के, अभी मत जाना लोग कि हम जीता बद निकालत है, नहीं नहीं अब हमें फिर में है कि है आदमी के देख के हम बड़ा सोच में पड़ गई है कि भाई जल्दी जल्दी बिरहा भाईल इतना झुकाव लोगन कह, तो हम कहीं चला चला अब दो तीन प्रोग्राम के संती एक ठिकाता बंदरिंदा जो जिंदा रहे विश्व में, उनकी हरकत लहद के दफन में छिपी, याद रहे धरती पर दीरों की कमी नहीं रही, तो धरती पर भड़ुओं और दलालों और गद्दारों की भी कमी नहीं रही। जहां पृथ्वीराज चौहान जैसा सपूत पैदा होता है, वही जयचंद जैसा नमक हराम भी पैदा होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज का दौर आतंकवाद से जूझ रहा भारत 10 वर्ष से चिल्ला रहा है, 10 वर्ष से चिल्ला रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। किससे कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ से। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 3 ठे ब्लास्ट खाली अमेरिका के टावर बिल्डिंग गगनचुम्बी पर जब भयल, तो अमेरिका पूरी फौज लेकर के और आतंकवाद के खिलाफ जहाज जहाज छेड़ दिया। हे भैया 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 एकदम मिजाज बनाता शांति कव्वाली का टुकड़ा लगल किसी आशिक ने कहा है, क्या कहा भैया? हसीनों को नजर से तीर बरसाने की आदत है, हसीनों को। हाय हाय क्या बात है, ये हसीना लोग कुछ हुआ? अरे मैं तो एकदम पगले हुआ कहा। अरे हाँ हसीना, यार ये बाबूलाल भैया हूँ। इतना बड़ा रहली तब से इनके ऐसा देखे थे, हम उम्मीद है कि सबके मुआ ले तब जेबा कहा भाई। हसीनों को नजर से तीर बरसाने की आदत है, अदालत नाज की तलवार
तलवार चमकाने की आदत है, सितम ढाने की आदत है, खफा करने की आदत है, मगर हम यासिकों को चोट सह जाने की आदत है। हमने क्या मांगा था तुमसे, क्या लेकिन तुमने क्या दिया। क्या बात है। चदर बदर मुझी को दिल से, अरे तर बदर मुझी को दिल से, दगा दी गई दर बदर मुझी को दिल से। बदर मुझे पुत्र सिंह दगा दी गई, अरे तर बदर मुझे पुत्र से दगा दी गई। हमने क्या मांगा था, हमने तुमसे 500 रुपए नहीं मांगा था, हमने तेरी आदत को कहा था। क्या मांगा था हमने, प्यार मांगा तो गर्दन, क्या बात है, ये बिना पैसा के मिलेगा, एक कौनो कीमत नहीं है, कि हर तरफ नफरत होती, अरे हर तरफ नफरत होती, अरे किरण देखिए हर तरफ नफरत होती, अरे हर तरफ नफरत होती, किरण देखिए सहमा सहमा है सारा, सहमा सहमा है सारा, अरे वतन देखिए सहमा सहमा, हर रास्ता आनंद उठाव चला, कहानी कहाँ कह, लरे लरे लारे जिला सुल्तानपुर में सेठ रामाधार रहे, जिला सुल्तानपुर में सेठ रामाधार रहे, मरे पानी पर पानी वाले पानीदार रहे। रामाधार सेठ के परिवार के परिचय हो, गरीब नारायण इमत जला की बिदाई दर्जा दहेज का विवाह शुरू कर दलन, नहीं देश का कमी हो का, बेटी मौसमी मौसम सिली अंगड़ाई है, उठे कटिहार में जो नौ बसंत लाई है, बेटा बसंत जिसकी उम्र 8 साल रही, सेठ की जिंदगी दौलत से मालामाल रही, लेकिन भगवान का, लेकिन भगवान का प्रभुत्व सारा लूट गया, घूमते मेले घूमते मेले में बेटे से संग छूट गया, जिला सुल्तानपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव कटिहार गांव के रहने वाले सेठ रामाधार के पास एक बेटी जाने का उम्र 13 साल, बेटवा का उम्र 8 साल, मौसमी बसंत, मौसमी नाम बेटी का हो, बसंत नाम लड़का का हो, 90 का मेला देखा बदे चलन, कहा विजयदशमी का मेला जवन हमारे महाराजा किला चकिया और हर एक धरती पर बड़ा धूमधाम से मनावल जाला, भैया हो बाबू विजयदशमी का मेला देखा बदे चलन है, तई जनता हो, जनता के मिजाज के चिन्हला, आज जनता के मिजाज के चिन्ह गल वह सलीब पारखी हो, बाबूजी बेटवा का हाथ पकड़ लेवन बसंत का, आ मतारी का आचर पकड़ के पीछे पीछे वो बिटिया मौसमी जाती, तो ने जोर से वही मेला में आवाज आई, लरे खबरदार सर्कस का शेर खुल गल, कितना जाने के फार दलस, अब जनता
अरे मदवा शेर खुल गए चले भाग गड़गड़ा के मेला भगल कितना इतनी खपसाए के मर गई ननु अब संजोग कि लड़िकवा जौन बाबू का अंगुरिया पकड़ ले हो आदमी के जौन बात तुम बाढ़ में भागत कर हाथे हाथे आदमी उठा के मेला के एक किलोमीटर आगे कर दलन रोवत रोवत सवेरे से सांझ हो गई। उत्तर साइड में जब जाए तीन कोस का मेला होला हु। आज ही लगा ला मेला सुल्तानपुर में कपोल काल्पनिक बात नहीं हो पत्रिका ये समय भी मौजूद हो। तीन कोस का मेला रोवत रोवत लड़का उत्तरी साइड में जाए और जब उत्तरी साइड में जावत जाए तो बाबू माई खोजत खोजत दक्षिणी साइड में आ जाए। होई है सोई जो राम रची भगवान के आगे केहू के बस नहीं चल। रोत रोत लड़का के जौन बात उन हिचकी बंधाई गई बा एक जोगी बाबा वही दुकान पर बैठ के पानी पियत हुन कुछ मीठा लेके दोना में लड़का बाबा पहुंचल जाए के बाबा के सामने खड़ा कलत के ए बाबा हमरे भूख लगल है। बाबा कलन बचवा तोहर का ना हो झर 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 रोवत बा कलत के हमार नाम बसंत था तोरे बाबू का का ना हो बेटा। बाबू का नाम बतौलो सेठ रामाधार है तोरे गांव का नाम का बेटा ना पता कितना दुलार लोग कैले हुआ गंगुआ के नंगुआ के मेरी कुछ बोला भाई ना करे मालिक मेला उसका भाई तमाम प्रयास के बाद भी मालिक का होनहारी हो नहीं तीन रोज तक मेला में लेके परेशान रहलन। चौथ का दिने बाबा संगे संगे लेके लड़का के चल दलन गांव में घुमावे भैया के रू चिन्हले हत ले ले चल पहुंचल लेके कहा लड़का के गोरखपुर बसंत जोगी बसंत जोगी बन जीवन को नया मोल लिया छोड़ माला को हर छाया से नाता जोड़ लिया एकतापुर के लड़का जोगिया वस्त्र धारण कह के छोटी से सरंगी दे के गुदड़ी पहिरा के अब बाबा लेके पीछे पीछे घूमे लगल बहुत आदमी गरियावे की हेर के जोगिया के मारा फसौले है लड़कवा के। बाबा कहा कि भैया मरले का जरूरत ना है चिन्हत हुआ तो लिया जा हमें कर बाबू माई की खोजत है ए मेला में मिलल है। दिन बीते लगल एक साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल सन 95 एयरसेठ जी अपने करेजा छाती के पीट पीट के मना ले हुआ एक कई बिटिया है पूरे प्रॉपर्टी के दौलत के मालिक क्या हुई वह लड़किया वही बिटिया का शादी धूमधाम से रचौलो में कहानी का मोड़ घूमत जाई। बिरहा तो आप लोग बहुत सुन ले होगा लेकिन ये हमारा दावा है कि ऐसा बिरहा भी ने सुन ले होगा। मन मसौस के बेटी के शादी की तैयारी करत हूँ बिरहा में तर्ज बदल गई इकोनो दुल्हन का दुल्हा घरे का मेहरारू को खोदल मेहरारुआ खोदल की कमैबा मैबा ना तो कैसे काम चली बब भागल कहा भागल गयल बस होमगार्ड में भर्ती हो गए मारे लाजन वहरिया से चिट्ठी भेजा था है टिंकू के माई के मालूम कि हम रेल का ड्राइवर हो गए बड़ी खुश बा टिंकुआ के माई चिट्ठी लिखवावे थे चिट्ठिया में क्या लिखौल लिखौलस की अरे सारी हम ना अरे सारी हम ना पहिना राजा अरे सारी हम ना पहिना राजा रलिया कहीं डर रही बर दुनिया का पैरसी में इतने हमार कैसे टायल भेजा था नहीं चुम्मा उनमें जो है तो अनीता राज गावेलिन गुरु अनीता राज गावेलिन हमके हमरे पर सवाल जवाब करें कल इनके करिया हो के इबाए राजा ये हमारी तो सूटो करी अभी न कोई कही था अब कितना ही करिया हुई है
बटुरा है कहा तो कि बटुरा है कई अनिता राज के दोनों तुम सवाल हमारे पर वाला कि अरे करिया हो के भाई राजा अरे करिया हो के भाई राजा जनजा को लल्ला कल्ला है के लल्ला ए राजा जनजा को लल्ला कल्ला है के बड़ा खुशी का माहौल है लेकिन बेटवा का गम नहीं कलेजा में है। पांच साल पहले हेरा आयल वही आज लेना मिलल लड़कवा ना पता हमार कहा होई कि दबा के वही मिलवे में मर वर गयल यह मने मने सोचत हुआ बेटी का विदाई करत हुआ तो कैसे अरे तब बिटिया घूमे लगली हो तहिया अरे बिटिया घूमे लगली हो तहिया सैया संग भवरिया बिटिया घूमे लगली हो तहिया सैया संग भवरिया बिटिया घूमे लगल संगठन मंत्री श्री राम नगीना सोनकर जी बड़ा प्यार हो 50 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सब बहन के प्रणाम विदाई हो गई लगन रही तन भैया भैया एकदम ध्यान बटेने तन सुहागरात के सीने सुना अरे पिया कैसे जिया पर अल सजने परिवार ऐसा देख के कई रोमन की हाथ मौसमी के पति रामू असास ससुर बस और क्यों ना रामू सुहाग रात की कोठरी में प्रवेश करते हो मालिक की मर्जी है ता रतिया कैसे दियो पर सजन अगोरी के खम की गई ले दीमरी मौसमी का पति रामू जब वही सेठ पर बैठल अब बैठता बैठत 12:30 था बैठता बैठत मौसमी के पति रामू इतने कहलन आह रे माई अनजान दिल हो दुल्हन घूंघट उठाओ में देरी करी पट से घूंघट फेंक के दौड़ जलस आपकी कोनो तकलीफ है का रामू अपने दुल्हन से बतावत हुए पैर छुए थे आ खटिया पर बैठल हुए बतावत हुए दुल्हा के वेश में रामू का बताओ तुम हमारी फाटत बात हो रनिया सगरी गतरिया देह जो दुखात बा तुम दुखात बा हमारे पेट में दर्द आप चिंता मत करा नई नबेली दुल्हन कब्बू अबई आगे के पजरे नहीं गई बा चूल्हे के पजरे अपने ससुरे में वो दिनों तक आई है पर तुरंत स्टोव जला के गर्म पानी कह के थमौलस घी लहसुन जला के देलस लेकिन मालिक का मर्जी है बीमारी बढ़ते जात में दू बदत बदत सहसा उठल बा भारी पेट में दर्द धूमिल बहली मौसमी के खुद का हर दिया बच्चे मौसमी का पति रामू इस दुनिया से उसी पलंग के पर चल बैठा आप लोग सोच के देख ला जौने जौने दुल्हन के दुल्हा सुहाग रात के कोठरी में ये दुनिया से अलविदा हो जाई कभी लिखत हूं सुहागिन का सुहाग लुट गया अरे सुहागिन का सुहाग ओ सुहागिन
सुहाग लुट गया, लागल बाबी रहिन के करम कुंड में आज। हल्ला मचल, लोग जुट गइलन, लाश निकाल गई बहरे। अब ही वही तरह महावर तहजरद है, हरदी वही तरह लगल बा। तब मौसमी रोवैली दाई के सासु के चरिया त फूट गईली माई हमारी सजल की सुमतिया। जीवन का साथी छूटे मिलना मौतिया हो, कैसे हम सुनाइब माई दिलावा के बतिया। अलब नहीं मांगी मी सनुरावा भराई मोरे, मिली है ना लैसना सुजोग बर थतिया। सासल ससुर सम जावे जेनी रोवा बेटी, केहू नाही जाना जग में विधाना के गतिया। अरे बेटी तू इतना रोइबु, आदमी शांति रह, तू इतना रही बू, मान ले ली तुहार सुहाग गुजर गल, लेकिन हमार बुढ़ाई का सहारा एक छगुनी रही टूट गई बहनी। अब हमार बेटा तू ही हो, हमन के भुलाया मत देखा ही संस्कार, हमन के छोड़ के जाया मत। एक रोज पुरुष संपर्क नहीं भयल, ये धरती का ही है इतिहास। ऐसा भी लोग धरती पर हुआ, लड़की मन ही मन संकल्प करती है मौसमी कि माई बाबू का घर छूटा लो, तो धर्म का माई बाबू ही लोग हों। ये लोग का इच्छा है तो ये लोग का सेवा कुछ दिन खराब दिन बीतल के रही, वही बीत गई के रही बीत गई चौबीसवा दिन है। दुखी तू दिगर से इधर मौसमी, अरे दुखित बिगर साई धर मौसमी, अब रहन लगी ससुराल। अरे वही कलला सूर मेस था कहन लगा चंडाल। यही समझ लेती है मित्रों, उसी गांव का रहने वाला राम सिंह जमींदार का बेटा रमेश सिंह, आवारा टाइप का था, मसेली टाइप का था, बहसी टाइप का था, मोटरसाइकिल से चलता था, दारू के नशे में हमेशा अपने आप को गुंडा बताया करता था, लोग डरते भी थे। आज के जमाने में जेकर लाठी वही का, जेकरे पास रुपया वही का, अदालत दौलत सब कुछ वही का हो। भरतपुर बाजार से मोटरसाइकिल पर बैठे हुए एक रोजा रहे लड़की, घर से चौबीस सवा दिन निकल गई, अम्मा जी के सेल ना जा था, पैरवा दुखा था, एक छे गैया दूछे बैलन का जोड़ी है, हरा चारा लिया हुए बदे सड़किया से कुछ दूरी पर खेते में गई, हरा चारा लेके आई कपारे पर रख लस्य, सफेद बोला मतलब सफेद वस्त्र विधवा वस्त्र धारण कैले हो, आ धीरे धीरे जान हो तुम बौरिया भैल बिछती छे। कुछ लोग बोलियो बोलत हो कि ऐसा कलंक की नहीं बा कि आइल तो खाए ढलस अपने मर जाए। इस समाज है दो चार पांच साल छह साल आठ साल गवना करा के पंच लिया, अगर बुरा कहब तो बोलिया लोगन, अगर लड़की लड़का बच्चा ना भैल तब वो अगल बगल के मेहरारू लगे बैठे बचाओ। अरे तो हिजड़ीन है, तो हिजड़ीन है, सामाजिक कमी है, बिगड़ल घर के हमेशा बनावे के चाहिए और उसके प्रेरणा देवे के चाहिए। हालत ही बा, मामला हो कगार पर पहुंच गया। तू कहे खाओ खड़ी हो गई वही घोघटोए में से बोले थे कि हाँ बाबू जी हम बड़ा बदनसीब हैं। बदनसीब कहीं तू रमुआ की औरत तो नहीं है? आँख से आंसू चला लगल, रो अच्छा कहल कि हाँ हाँ भैया
मैं उन्हीं की बदनसीब बीबी है। अरे छोट बदनसीब बीबी कह दिए, मेरे बाहों में आ जा, हम तुझे खुश नसीब कर रहे हैं। मोटरसाइकिल खड़ा कर लग रहा स्टैंड पर, तो जो एक ठे वाला होला ई कौन हंसा के बात है यार। ओके लंगड़ा स्टैंड कह जला, वही पर खड़ा कर जला, सुतर गल जाके सामने खड़ा हो गल। इधर आओ लड़की, हरा चारा ले लिया। कह अरे अरे कैसानी माँ कूढ़ का, अरे चल चल जाओ था ऊपर आ खपस दी का। जरा अपना चेहरा तो दिखा दे, उतार दे बोझा घूंघट उभार दिलस। अरे बाप रे बाप, पांच दिन पचमंगरा का हरदी लगल तरासल शरीर, इतनी खूबसूरत लगत बा विधवा वस्त्र में भी, इतनी खूबसूरत लगल बा देखल से नसवे उड़ गई। अरे बाप रे, ऐसा ची गई हम ना देखली दादा। हाँ एक बार बताई कहा बतावा, अब धीरे धीरे दिक्कत हतावा। हाँ जल्दी बतावा कैसे काम करा, विराह में तर्ज लग गई। कौन था जलाल? गीत है मेला जात का, हमरे बनारस चंदौली का माता बहन लोग गावे ली गुरु जी। मेला जई है तो ठोकवा को खूब बना ली है। एगो हेतर लड़का रही ओके से बिचली अंगूरी से हेतर एक आजर दी है। आज अपने सीख के लीक से ऐसे हिंदी का साथ बना दी है। तो मेला में जई है तो लड़का के उठा ली है, अपन गावत बजावत चल जई है। मेला में जई है तो एक फेरा घूमत है सैया आई ना आई, सैया आई ना आई, एक देवर मिली एकदम ही राम जन्म के रंग का। पान खूब खैले बा, पतिर की टांग है डैना फैला के चलत बा, गुलगच्छा मरले हई हो अपन का। अच्छा ताल फलाना बाबू लोग का थुआ कहा वो अपन हंसा थलमुआ से कहा तो भाई आ लगी यो अपन लजात बा है जी हो बाबू। अरे नहीं पान तो संगवा मुझे खैली हो, आया भैया वो तो के खोजता हूँ। तब अपने सखियन के बीच में गावत बा, गावत बा की कहीं हुई है सड़क पर, अरे कहीं हुई है सड़क पर लाख तो है ही है, कहीं हुई है अरे लख तो है ही, अरे हाथ लेके रुमलिया सतो है, हाथ लेके रुमलिया अरे हाथ तो है ही। भाव स्थल पर आ जाएंगे मित्रों। कहा है लड़की? ए लड़की सुन, करीब खड़ा हो गया जा करके जितना दूरी हमारी इस लाउड स्पीकर से है। लड़कियां पीछे हटते कहे खड़ी हो जाओ, वही तू जानती नहीं हम कौन है। नहीं बात सुन, का बाबू जी का बात है? कहा था का कहला? हमारे छतिया पर बिजली, हमारे छतिया पर बिजली गिराई देहलू, हमारे छतिया पर बिजली अरे गिराई देहलू, लड़किया का कहत हुआ का सुना? बाल में कजोरी घर अरे बाल में कजोरी घर भेजवाई, नौकर से तुहरा खेत जोतवाई। हमारा छतिया पर बिजली गिराई दिहलू, बैलन का जोड़ी भेजवा जब नौकर भेज दब सारी खेती गिरस्ती हो जाए। हमारे से बात मान ला। का बात मान ली? बतिया बताओ का? बस एक बार हमके अपन बनाला, तू उदास तेरे कबले बैठू तो जिंदगी निर्वाह कर दे। सुनलस तौले
प्यार कर बा कहूं क्या तनी सब थूक लगाए के रगर के हथवा मरलस पार दे आ लगल जब थप्पड़ तो धार दे घूम कर कथारी मार दला सार ताकत है यार और खेते में इम त मारी दलास कोनो देखत ना ना है गयल मोटरसाइकिल पर अरे बाप रे कीक मारत देरी ना या टाप लगावत देरी ना ओ देख के लेले आले हवेली में खड़ा कर दलास एक नौकर रहल नौकर के बोलल कहिया अरे का जी सरकार कहे गाल से गाल से अंतर कहे कि दहिना पर चप्पल लगल है क्रोध में क्रमांध हो गया पागल हो गया हराम जादी कुतिया अपने आप को क्या सोचती है इस अपमान का बदला जरूर लूंगा देखा ये दौलत का इस्तेमाल अब करा था कैलस का क्या इधर घूमता रमेश सिंह ऊपर आना है पति की हत्या की है मौसमी झूठा जाल यशो महोदय छुट्टी पर चले गए दरोगा नायब दरोगा के हाथ में चार्ज थाने का है आवाज ना हो भैया भरतपुर थाने अरे यार भरतपुर थाने पर आया जाकर के नायब दरोगा के सामने बैठ गया कहा दरोगा जी एक नई खबर लेके आया हूँ गर्मा गर्म खबर हमारे गांव को बड़ी पेचीदा खबर दरोगा जी कहो तू जो रमुआ मर गया उसी की खबर है क्या जी जी वो मर नहीं गया मार दिया गया मार दिया गया आप ना जानत हुआ वो करे मेहररुआ का नहीं हरवे में कौनों से कंसल्ट है जहर दे के मुआ दलस दरोगा जी कहलन नायब साहब कहलन बात में कोई दम नहीं है निकाल के लप दे 10,000 का गड्डी सामने फेंकलस दरोगा जी कहलन कुछ कुछ दम तो लग रही है घबराओ मत तो चलो पुलिस सब दलबल से चलो पुलिस सब दलबल से पापी के सबले बेस्ट हुए धारा 302 के तहत में तीनों जन आपके तीन नंबर बैरिक में एकदम काची कली हो भाई जो ना तुम इतनी तैयारी में हो कि खाए वाले का कमी नशे में हो गए टार्च उठा करके वह नायब दरोगा और लड़खड़ाते हुए पहुंचा तीन नंबर बैरिक के पास टार्च जलाया देखा कि लड़की दीवार का सहारा लेकर के सो रही है हाई चेहरा उघरल लाइट लाइट का रोशनी जब चेहरे पर गई तो चेहरे से अजीब सी किरण प्रस्फुटित भई पागल हो गया आया कहा वाह यार सचमुच शंकर सिंह सिपाही नशे में है आदेश दिया गया जाओ बुल पकड़ लाओ उस लड़की को चल दिया शंकर सिंह सिपाही ए लड़की चल चल तुझे दरोगा जी बुला रहे हैं उठ करके बैठ गई कही खबरदार मैं रात में किसी दरोगा जी की बात सुना नहीं चाहती नहीं रे लड़की तू नहीं चलेगी तो जबरदस्ती टान के ले चलूंगा आखिर वही किया घसीटते हुए लेकर के दरोगा जी की कोठरी तक पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया रो रो करके वह लड़की बार बार चित्कार कर रही है और छपर छपर गोर पर गिरत पर आवाज देतवा का कहत मास्टर ये मुरारी प्रसाद सोनकर कोषाध्यक्ष महोदय सब्जी मंडी चकिया की ओर से 50 रुपया सिंह म्यूजिक सेंटर सुभाष भैया की ओर से 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम मालिक सुखी रखम भैया के रो रही है क्या ये हमारे गाजीपुर गाजीपुर उजियार घाट का मल्लाह जब सवेरे सवेरे नैया खोललन तो गंगा माई में रोरी मार के जगावलन पहले चरोरी उठा के फेंकी कि हे माता तैयार जाग जा माता हमन के पेट पर जाकर सवाल है ऐसे गीत गावलन कवन गीत गावलन के सूता लगा नैया अरे जगावा भैया रे मझिया उठाए गंगा अब उठाए गंगा ना अमैया
मोरी भैले बीना तारा उठे गंगा ना, मैया मोरी भैले बीना तारा उठे गंगा। हरामजादे खड़े हैं बीच में, लड़की बा रोवत बा कि रोही के बहिनिया, अरे रोही के बहिनिया तो मांगती बा मंगनावा सुनाए भैया, अब सुनाए भैया अबे दाया बारू को बनावा सुनाए भैया, अबे दाया बारू को बनावा सुनाए। रोवत बा कि नटई दबा के पहले, अरे नटई दबा के पहले ले ला परनामा सुना भैया, अब पीछे करिया राती दानावा सुना भैया ना। लेकिन हरामजादे एक भी नहीं माने, लेकिन नहीं माने पापी लूटल नहीं जतिया, सनाई गई भी बेटी का सूरतिया, फेंक झले मौसमी के जलदामी अनाव सुना ले भाई, आलम सुना ले भाई, कोई जेल में ले जाए के फेंक देती है, ले जा करके तीनों उठा करके। सावास की आदि नहीं थी लड़की, तीन तीन बलात्कार बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेहोश हो गई, ले जाकर के उसी जेल में उसी बंदी गृह में फेंक दिए। अढ़ाई घंटे के बाद जब होश में आती है भोलहरी है, रो रो के अपन चूनर पहनत बा, रामदास नाम का बूढ़ा चौकीदार थाने पर उस दिन उसकी बारी थी, रोने की आवाज सुना आकर के बंदी गृह के सामने खड़ा हुआ, कहा रे बेटी कौन है तू, क्या रो रही है बेटी। शब्द सुन के फपक फपक के रो पड़ी मौसमी की, बाबा ए अभागिन के दुनिया में कोई बेटी का वाला नहीं बा, हमार दुनिया उजल गई, ऐसा ऐसा काम भर पारे पर दो सिपाही खड़े हैं। हाँ ए भैया चलन है लड़किया, कहाँ है लड़कितिया हुए बा मास्टर, अरे झूमता झमाता जोगिला लाई ला नजरी अरे आई ला नजरी अरे, झूमता झमाता जोगिला जाल में होरा। एक दिन यन्हारी आने जे हल कछकारी आयर जे हल कछकारी आहो, हमो कपा के चालल बापर आलन हो रा। अरे धर्म कर्म मान भाई लाई केला चारिया फैलाई केला चारिया हो, आ गई ला जोगी बाबा एक बेटा नहो राम। भाग कोई सुल्तानपुर स्टेशन पर 4 किलोमीटर आई, आदमी का भीड़ लगल है, यात्री लाती का जन बैठल हुआ एक जगह, एक थे जोगी बाबा बड़ा कम उम्र का हुआ, सरंगी बजावत हुआ, लोग पूछत हुआ कि ए बाबा इतना कम उम्र में कैसे जोगी हो गईला, वो जोगिया वही गीतिया गा के अपन बतावत था। तेरा ता सरंगिया जोगिया गावे लाभा जानी है अरे गावे लाभा जानी है, बचपन का दुखावा कुल सुनो नूर। Thank you.
कई मेलावा में छूटी गई ला माता महक तारी रे बापा महक तारी अभिक्षा मांगी सोरनी बजायन होर हम कौनो जानबूझ के जोगी ना भले भैया मजबूरी है हमार बाबू माई रहन हमारे एक बहिन रहन मौसमी यही मेला में विजयदशमी का मेला दिया यही से अक्सर यहाँ आई ला का जनी हमार बाबू माई हमसे मिल जाए का जनी हमार बहिनी हमसे मिल जाए बहिनिया वही में बैठा लिया अरे नजर तक उठा के दिखल से चेहरा कुछ बदलल लगत हो अरे भैया भैया कहीं तेरा नाम बसंत तो नहीं है हाँ हाँ दीदी हमार नाम बसंत है तू कैसे जाने लू रोवा लगल बहन के बीरना देखला बीरना के बहन इला रे बीरना के बहन इला दुनो रोव गोरो लगायन होरो छाती से लगा के दोनों फफक फफक के रोवत हूं जितना यात्री बैठल हुन ए झोटा कायदे से बैठवा ख्याल हुआ सढ़वाने जी हाँ तो कुदतो देरी ना हम दोनों लगा के छाती से एक दूसरे के रोवत हूं यात्री जितना बैठल हुआ सब रोवे लगल भाई का रे दीदी बड़ा दिन का राखी बनले हो राखी बना तू मिल गई सब कुछ मिल गया रोहे लाल रुका 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 राखी बनो ही बना हमार दामन पाक मानत हुआ ना का हाँ का तो हम राखी का मधाई लेप का बोल का चाहिए बोलत हो जैसन धून बतौने के जरूरत ना भाव वैसन आ गया के भैया मेरा अरे भैया मेरे अरे बहनी के लाज को बचाना भैया अरे भैया मेरा अरे भैया मेरे बहनी के लाज को बचाऊं भैया मेरे दुश्मन को देश से मिटाना बस 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 कौन है वो हरामजादे उनका नाम बताओ नाम बतौले से बिरहा जैसे अब भी रस लग गई नमस्कार जला दिया तन का जगिया बस तलावा तलावा का पहला भाई तरी बाबा गोरखनाथ की अरे घूमे घूमे खोजा बीरे अपन दूसुम अरे तब ना गई ना रमेश सिंह चौड़ा है पाभेता चौराहे पर देसी शराब की दुकान बगल में पकौड़ी छानत है इतने भाई मेहरारू बैठ के बहनिया पट गली में का भैया सुन 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 वह 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 भैया हमारी जिंदगी में आग लगाओ वाला वह कहे तो घबराइल कहे को तू चल जा नैहर वाले घरे हम आई रसा जी जा तो क्या हमार कसम दीदी जा लड़की वहीं से पिछौड़ भइल घूंघट में होके भाग के ससुराल वाले गांव पर आई ले गया रही अपन दारू पी के ठीक हो पकौड़ी वही में से उठा उठा के गरीब बेचारी छान के बेचे की फिर आई सरवा हरमजादा में से उठा उठा खा रहे घूम पकौड़ी बहुत बढ़िया तेरी पकौड़ी बड़ी मस्त है गजब पकौड़ी था
आधा बोला था आधा घोट लेते। अब जिया गयल कहल कि बेकाबू हो गल है पजरे पहुंचल कैले से का तलो पीछे से गिरा के सीना वापस चढ़ी गए। ओ भईयो पीछे से गिरा के सीना वापस चढ़ी गए। ओ लरा तो तला गोली या के दे हालत। ओ भईयो तो तला गोली या के दे हालत। पटक के वही सीने पर सवार। अरे सवार होके रिवाल्वर जब निकललस सब कर रहे तुम हमको नहीं चिंता हम तेरे बार बना देंगे। कह साले माकुड़ उठौलस रिवाल्वर क्या याद कर रहा है जिस बहन विधवा बहन के इज्जत से खेला था ये उसका प्रतिशोध उठा के रिवाल्वर गोली सीने में तीन गोली मचल हड़कम भगदड़ मचल रे भाग रे भैया। अरे हटाता एक छे तनी तनी फाफी ये भैया आवत है लइका मरला से तीन बोरी पसार कुछ आदमी कतो जाए दे सारे मर गए बड़ा उपद्रवी रहे जाए दे थाने पर खबर गई दूठे सिपाही आके अपन तलाश कर तुम। हाँ ये तो मरना ही था चलो घूम के ओहर से थाने पर पहुंचल दरोगा जी नायब साहब सादे ड्रेस में हुआ टी शर्ट हाफ पैंट पहन के वही बैठल हुआ अखबार पढ़त हूँ करीब पहुंचल का है दरोगा जी। दरोगा जी कहना नमस्कार नमस्कार कहना नमस्कार ना करते मैं कुछ कहने आया हूँ अखबार कोई से नजर ना हटाओ तो कल तुम रिपोर्ट लिखानी है अंदर लिखा दो दीवान जी क्या कल रिपोर्ट नहीं लिखानी है ध्यान से सुनो रिपोर्ट नहीं लिखवानी है तुम्हारे जिंदगी के मौत पर तुम्हारे मौत पर दस्तखत कर कुर्सी से गिरा के सीना वो तो चढ़ी गई तीन दू पांच एक गोली बचल है एक दुश्मन सुने में तो मैं दुईया मरलस आ तो बहरे झकलस से एक नजर देखलस का हल्का में घूमत शंकर सिंह देखी मौसम प्यारी अरे ठीक ठरी चौरा है ऊपर लहली गला उतारी वो लैली जहल खाना इज्जत का फैसला। जहां भाई का बयान जारी हो ओए जे शंकर सिंह का गर्दन कटले लहू से लाल घासा हाथ में लेले शेरनी आई कोई कटघरे में खड़े हो गेल जज साहब हम हूँ जाने का खून का क्या होता जो साहब कहना है दुनिया खून करेगा तो भगत भगत पलीद लग जाले अरे आवत है कहते खून के लिए आवत है क्या तुम दोनों में कोई रिश्ता। हाँ हम भाई बहन है सजा मिलेगी मंजूर है कोई गवाह है तुम्हारा कहना वकील ना गवाह गवाह है बस वही खुदा गवाह। भरतपुर बाजार के लोग हजारों हजारों की संख्या में आकर के और अदालत में भिड़ गए आवाज देने लगे। जब से नायब दरोगा और शंकर सिंह सिपाही का साथ इस थाने पे आया है इतना अत्याचार हर क्षेत्र हर रोज किसी न किसी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। बच्चों ने जो कुछ भी किया है ठीक किया है गलत नहीं किया है तो जनता की अदालत के सामने दुनिया की सारी अदालत झुक जाया करती है। विचार करना पड़ा जज साहब को। जज साहब जजमेंट के ऊपर
भारी गौर बढ़ाए सास ससुर को कुटी कुटी तो घर उड़ी क्या पहुंचाए छूटला तो ही नहीं या पीरा ना वही जस का खोए शांति से शांति से दुखुरगा इस कविता को कविता छूमे स्वर्ग चंद्रिका कवि बन समा या समाप्त सुहागिन का सुहाग लुट गया विजयी प्यारा लाल कविता में जागल भाग रहा सुहागिन का सुहाग लुट ये मास्टर कहा था मन दिल का खिलौना हाय टूट गया दिल का खिलौना अरे कोई लुटेरा कोई लुटेरा लाके लूट गया कोई लुटेरा लाके लूट गया।